हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं राज किशोर। दिस गाय नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इनका आज ही मतलब कल रिजल्ट आया था आईसर पुणे से पीएचडी प्रोग्राम में। इनका आईसर पुणे में पीएचडी प्रोग्राम में हो चुका है। इसके पहले इनका आईआईटी खड़गपुर, फिर आईसर कोलकाता एंड पहला जो इनका सिलेक्शन हुआ तो आईआईटी मद्रास में हुआ था। सो फार इंडिया के जो टॉप 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे इनका हो चुका है सिलेक्शन। अब ये इनका डिसीजन है ये कहाँ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राजकिशोर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी साइड से। थैंक यू सर, थैंक कैसा यू। लग रहा है सब ये चार बड़े नेम, चार रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिल गए? आईसर पुणे भी फाइनली आपको मिल गया, दो आईसर आपको मिल चुके हैं, कोलकाता और पुणे, और ये दोनों ही ड्रीम इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर, अच्छा कैसा था अच्छा सब कुछ इंस्टीट्यूट। बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है सर। फोन को थोड़ा मुंह के पास रखोगे, हेडफोन जो होगा तुम्हारा, तो क्या आवाज क्लियर है? अभी हाँ थोड़ा बहुत है, बट मेरे ख्याल से जहां आप रह रहे हो वहां नेटवर्क का बहुत इश्यू है, राइट? ठीक ऐसे ही नेटवर्क में आपने यहाँ क्लास किया है ना, जो आप 8 महीने 9 महीने यहाँ पढ़े हो, सर। सेम नेटवर्क राइट? हाँ इसीलिए सर, जब आपका आवाज कटता था तो आप बहुत हाँ डांट सर, सुनते थे मेरे तरफ से। मुझे नहीं पता था कि आपका सिचुएशंस। सो लुक एट स्टूडेंट, जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखो आप लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हो ना कि मेरा सिचुएशन बहुत खराब है सर, ये सिचुएशन खराब है इनके। इनका पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियोस में बातचीत करी है, देख लो अभी भी ये हमसे जुड़ने के लिए किसी दोस्त के छत पे है। कहाँ पे हैं आप एग्जैक्टली? सर पहले जहां से ये क्लास भी ये जो करते थे, आप ही बताइए कहाँ से किसी दोस्त के यहाँ जाके आप क्लास करते थे? नेटवर्क आपका घर में सही रहता नहीं था, न कैसा रहता था, छत पे कहाँ रहते थे? सर, क्लास हम अपने घर के छत पे ही करते थे, छत पे क्योंकि करते वहां पर थे। वीडियो नहीं हम करना पड़ता तो। हाँ जब वीडियो वगैरह का कभी बातचीत होता था तब आपको मजबूरन कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता था। लुक एट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम से रोने लगते हैं, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम से लगता है कि यार भगवान मेरे साथ ही बहुत बुरा कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे भी खराब सिचुएशंस में रह के अच्छा पढ़ाई किए हैं, और अच्छा क्या, इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं कि एक कि लक साथ दे दिया है ना, लक भी या कहा जाता है ये सब भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट राजकिशोर है। तो इसलिए अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, कहीं से भी आप अच्छा मेहनत कर सकते हो। अब ऑनलाइन के टाइम पे तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बस अपने आप पे विश्वास रखो, उनसे इनसे ये चीज आपको सीखना है। तो कैसा रहा राजकिशोर, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जो लोग पहला, मैं तो जान रहा हूँ, बट पहली बार जो ये वीडियो आपका देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनको आपके बारे में जानने को मिलेगा। थोड़ा अपना एडुकेशन ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं वेस्ट बंगाल की पुलिया डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो कॉलेज है वो यहीं से, वो था जेके कॉलेज पुलिया से। और जेके उसके बाद कॉलेज, जेके कॉलेज। अच्छा। हाँ सर, और एमएससी भी एसके यूनिवर्सिटी से किया था, जो पुलिया में। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आपने मन बना लिया आपको कहाँ जाना है, किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है? मतलब मेरे को बताने का भी जरूरत नहीं है, बट आपने डिसाइड कर लिया। अगर डायलेमा में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिकांश जब ऐसे चार रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिले तो लोगों को थोड़ा बहुत डायलेमा हो जाता है चूज करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे दिमाग से आप यूज कीजिएगा कि कहाँ आपको जाना है। उसमें लगे कि मेरा कोई रोल है, मैं आपको अगर सजेस्ट कर सकता हूँ तो डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें जरूरत पड़ेगा, आप खुद इतने सक्षम है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट पढ़ाई लिखाई कैसा रहा था, कैसा आपका स्टडी टाइम टेबल रहता था, या कैसे बुक्स थे, या कैसा रिसर्च था, या यहाँ से आपको कैसा सपोर्ट मिला जो आप सोच के आए थे वो सारी चीजें आपको मिली, कैसा रहा आपका? हाँ सर, हाँ सर, यहाँ से सर बहुत सपोर्ट मिला सर। ये जो मुझे जो सर मतलब जहाँ पे सिलेक्शन हुआ, वो सर आपकी गाइडेंस की और आपकी टीम की हेल्प की वजह से हुआ है सर, तो इसके लिए मैं को
थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। और पढ़ाई तो सर जो आपका क्लास में वो उससे बहुत कुछ हो जाता है सर। उसके बाद भी एक दो बुक्स मतलब कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करने के लिए कुछ कुछ बुक्स देखना पड़ता था, लेकिन जो आपके क्लास में होता था वही मोस्ट ऑफ द टाइम वही सर मैक्सिमम है सर। हाँ बहुत बढ़िया। आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, बट मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमें एक्सक्यूज नहीं देंगे, आपका सिचुएशन जहाँ पे आप हो उसको देख के वो शायद अपना वॉल्यूम बढ़ा देंगे या कान में मोबाइल लगा के सुन लेंगे, राइट? हाँ तो सर, आप सर इसका सर थोड़ा प्रमाण। सा नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ है मेरे। कोई दिक्कत नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है तो मोबाइल नेटवर्क का कोई जरूरत नहीं है। आप लिपसिंग भी करोगे वहां से तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, सो इट्स नॉट एन इशू। एनीवे, तो अभी जो ये रिसर्च कहा जाता है रिसर्च का कीड़ा, तो ये आपको कब लगा और कब लगा कि नहीं मुझे इसी लाइन में ही आगे रहना है? सुनाई दे रहा सर है? वो तो सर जैसे मैंने पिछली बार, हाँ सर सर वो तो जैसे सर मैंने पिछली बार बताया था कि जब मैं कॉलेज में, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल टीचर को देखकर लगता था कि मैं भी एक दिन स्कूल टीचर बनूंगा। उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज में आया तो फिर कॉलेज के प्रोफेसर को देखा तो उसको लगा नहीं मैं भी एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से सर मतलब इस लाइन में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। और उसके बाद फिर एमएससी किया, उसके बाद फिर ये आपके यहाँ पे ज्वाइन किया तो फिर नेट क्वालिफाई किया। तो उसके बाद जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया। तो ऐसे आपका रहा अपना जो भी आपका मैथ्स का था, और उसमें फैमिली का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि मैं जानता हाँ हूँ आपका सर, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, बट फैमिली कैसे आपको सपोर्ट कर रहे थे ये सारी चीजें? पूरा उनका बहुत सपोर्ट था आपके, उनके तरफ से आपके पढ़ाई को लेकर? हाँ सर मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करता है सर पढ़ाई को लेकर, तो कोई भी कभी चीज़ जब, की जरूरत हो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे हाँ बोलिए सर, प्लीज। कोई भी चीज़ की अगर जरूरत होता है तो सर वो देते हैं, मतलब पढ़ाई में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्ट करते हैं सर। तो कभी जब आप इस टाइप का क्लास करते थे या मैं आपसे कुछ पूछता भी था, आप जवाब नहीं दे पाते थे नेटवर्क की वजह से, तो कभी मन नहीं लगा कि नहीं यार इसको छोड़ के शहर चले जाएं, आसपास जो शहर हो जहां इंटरनेट कनेक्शन सही हो, कभी ऐसा मन नहीं किया आपको? सर ऐसा सर मैं तो कहता था, लेकिन सर जो क्लास होता था सर वो तो मतलब लगातार होता था, तो सर अगर एक दो दिन की होता तो शायद जाता, जैसे कि कुछ इंटरव्यू के लिए मैं गया था सर अपने, सर मेरे एक दोस्त थे सर वहाँ पे, तो यहाँ पर तो रोज होता था तो कितने दिन जाएंगे तो इसलिए वहीं पर एडजस्ट कर लेता था। एडजस्ट कर लिया समय के साथ, मतलब जो सिचुएशन था उसी सिचुएशन में आपने बेस्ट देखा और उसी से ही अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करी, राइट? यही ना? बहुत बढ़िया, गुड। ये एटीट्यूड हमेशा रखना अपने साथ, ओके? ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है, ओके। और घर में बताया इतने जगह सिलेक्शन हुआ है, हाँ सर, सर क्या रिस्पॉन्स था आपके माता-पिता का? रेस्पॉन्स तो अच्छा है सर। जैसा वो लोग अच्छा समझे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप जैसा अच्छा समझो वैसा डिसीजन लेना, ठीक है, ओके, है ना? और ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो कि ये बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? सब अपने जगह पर, जो चारों रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हुआ है, आईसर पुणे, आईसर कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास, दो आईआईटी दो आईसर्स, ये दो जगह जो आपका हुआ है, ये चार, दो आईआईटी दो आईसर्स, तो इसमें आप कहीं भी किसी को भी आप आंख बंद करके भी चूज करोगे, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ जहां मेरा डिसीजन गलत है। बस फर्क ये पड़ता है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के टीचर वहां पर है कि नहीं है, नंबर वन चीज का ये फर्क पड़ता है जनरली, है ना? लेकिन अगर आप डायलेमा में भी हैं सब्जेक्ट को लेके, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। देख लीजिए कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है और इस टाइप के सब्जेक्ट्स के टीचर्स यहाँ पर हैं या नहीं है, ज्यादा डाउटफुल लगे बात कर ली किसी से, है ना? ओके, शंका नहीं रखना है, ओके, बहुत अच्छा करोगे आप, है ना? अभी जिस सिचुएशन से आप गए हो, जिस सिचुएशन से आपने 8, मतलब यहाँ पे टोटल कितने महीने आपने पढ़ाई करी, हाँ सर करीब 7-8 महीने तो ये जो वो सात आठ अगस्त में।
हाँ आप अगस्त में जुड़े थे रेगुलर बैच में, राइट, है ना। हाँ रेगुलर में भी थे, फिर इंटरव्यू बैच में भी आपको ऐड किया गया था हाँ लास्ट में जब आपका जेआरएफ वगैरह निकला। तो यहाँ आने के बाद आपका पहले जेआरएफ वगैरह था, पहले जेआरएफ गेट वगैरह कुछ था आपका यहाँ नहीं जुड़ने? सर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद जो जो कुछ भी हुआ, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 8 साल आपका सिचुएशन, जो 8 महीने आप जो यहाँ पढ़े हो जिस सिचुएशन में, ये सिचुएशन से बेटर ही सिचुएशन आपको बाकी 4 जगहों पे आपको मिलेगा, बहुत ही बेटर मिलेगा। ठीक है, तो लॉस आपको कहीं नहीं है। ओके, लेकिन आपका डिसीजन होना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए बेस्ट प्लेस क्या है, कहाँ पर मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, ये आपका चॉइस है। ओके, समझ में आया? ओके, तो इस पर अपना कोताही मत समझना, और कहीं कुछ लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे जरूरत है, यहाँ पे मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो जरूर मैसेज करना। जैसे कल आपने मैसेज किया था कि सर मेरा है सर पुणे में हो गया, तो उसी टाइप से ऐसा कुछ रहे तो जरूर बताना है। ठीक है, जो भी होगा बेस्ट मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। ठीक है, ओके। तो और सब जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो आप ही के सिचुएशंस में है, सिचुएशंस अच्छा नहीं है फाइनेंशियली या पढ़ाई में अच्छे हैं, हिम्मत हार जाते हैं, 2-3 बार सिलेक्शन नहीं होता है, वो टूट जाते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? सर उन लोगों के लिए बोलूंगा सर कि अगर उनका फोकस जो है वो अगर वो फिक्स है तो सर वो टाइम कितना भी लगे सर वो अगर उस पर अड़े रहे और उस पर स्ट्रिक्ट रहे उसके ऊपर मेहनत करते रहे तो सर वो जरूर उसको मिलेगा सर। हारना नहीं है सर कि उसको छोड़ नहीं देना है उस पर लगे रहना है। हाँ अड़े रहो डटे रहो ना, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप उस पे पहले से डिटरमिन हो तो, है ना, कि आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सजेशन, और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आप ही के बैच में से इस बार एनिमेशन भी निकाली लड़की, है ना, जो आपके साथी थे आप ही के बैच में लोगों का, तो लगभग आपके बैच से लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। कुछ लोग थे थोड़ी बहुत शायद हमारी साइड से कोई कमी रह गई हुई पढ़ाई में, बट बाकी आप लोगों के जितने भी लोग थे सब अच्छे जगह जा रहे हैं, चले भी जाएंगे, कुछ उसमें लगे हुए भी हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है जब आपके आसपास के दोस्त भी जा रहे हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फील अच्छा हाँ लगता है सर कि? अच्छा लगता है सर। हाँ सर बहुत ही अच्छा लगता है सर। चलो बहुत ही अच्छा, सभी कोई, और आई होप वहां पे भी आप जाए, बहुत अच्छा काम करें और अच्छा जगह आपका पब्लिकेशंस हो, काम करना, हड़बड़ाना मत वहां पे, है ना, एकदम कूल होके जैसे अभी तक करते आ रहे थे ऐसे ही काम करना, क्वालिटी फोकस कर रखना क्वालिटी पे और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, वहां और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करेंगे, है ना। ओके, अपना ध्यान रखना, और फाइनली खुश थे यहाँ पर, मजा आया था 7-8 महीने जो आप पढ़े, दिल से अपना कैसा लगा आपको यहाँ पे फाइनली? हाँ सर बहुत ही अच्छा लगा सर। आपने सर सिखाया कि मैथमेटिक्स को कैसे एंजॉय करना है उसको मैथमेटिक्स को सीखने के लिए सर कैसे सोचना है कैसे अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है और सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है इसके लिए सर आपको बहुत सर धन्यवाद सर। अरे आपको भी, आपके अंदर पोटेंशियल था, मेरा कोई खास रोल नहीं था, आपके अंदर पोटेंशियल था, आपने मेहनत किया, आपको मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही काम करेंगे तो, और आगे हम लोग फिर मिलेंगे जब आप रिसर्च में कुछ अच्छा काम करोगे, ठीक है, उसमें काम करोगे, ऐसे ही फिर हम लोग मिलेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखो, और बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी बोलूंगा कि अगर सीख सकते हो तो जरूर सीखो इनसे, ओके, और आगे बढ़ो। छोटे मोटी परेशानियां लाइफ में आएंगी, ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, कहीं भी आप बैठ के क्लास कर रहे हो कि छोटे मोटे ये ऑनलाइन से रिलेटेड दिक्कत आएंगी, लेकिन अगर हिम्मत है जैसा इन्होंने बोला, फोकस्ड हो और दृढ़ता के साथ अगर आप खड़े हो तो जरूर मिलेगा, उसका जीता जागता उदाहरण राजकिशोर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को इससे दिक्कत हो मेल करना नोबल फोरम 05 पे, विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। चलो राजकिशोर, बेस्ट ऑफ लक, एंड बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं बेस्ट विशेस, टेक केयर। ओके राजकिशोर, ध्यान रखना अपना, थैंक बाय यू। बाय।